India Day, which is celebrated on 25th April every year, is an internationally recognized day. The students of Sadeva Public School celebrated the World Malaria Day, and let us have a closer look at our celebrations through the beautiful and innovative posters and slogans. Let us promise to spread the awareness, because it may be a small bite, but with a big thread. Preventive measures against malaria are: use insect repellent on skin and in sleeping environments, wear long pants and sleeves to avoid mosquitoes' bite, stay away from stagnant water as mosquitoes thrive in stagnant water, avoid traveling to the areas where mosquito outbreak has occurred. Do not travel mosquito-infested areas like open ponds, polluted rivers, and waste-filled water resources. Hello everyone, my name is Dharya, and on the World Malaria Day, I would like to spread some awareness among you all. Since malaria is a life-threatening disease, and it is also caused due to a protozoan, therefore, the formula of prevention is better than cure must be used. Firstly, you must apply mosquito repellent frequently, wear long sleeve clothes, moreover keep your fans on at night, and most importantly, always use mosquito nets over the bed. I hope you will follow all the necessary precautions. Thank you. ऋतु के आते ही मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का भी आगमन हो जाता है। आज मेरी प्रस्तुति आप सबके काम आएगी। मलेरिया की रोकथाम एवं उपाय। हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, सोते हुए जाली लगानी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए और मच्छरों को मारने के लिए मच्छर मारने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका और मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलती है। इसके लक्षण तेज बुखार और जोड़ों का दर्द भी है। इससे बचने के कई उपाय हैं, जैसे किसी भी जगह पर पानी ना इकट्ठा होने देना, क्योंकि यह मच्छर उस गंदे पानी में पैदा होते हैं। घर में साफ सफाई बनाए रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाए रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम इस महामारी से लड़ रहे हैं। तो अंत में मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देने की अनुमति चाहूँगा। तो चलो मलेरिया को नियंत्रित करते हैं, घर की साफ सफाई का जिम्मा अपने पर लेते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिकाएं और मेरे मित्रों, आज मैं प्रेरित सिंह कक्षा 9वीं बी का छात्र आपको मलेरिया की रोकथाम पर कुछ उपाय देना चाहता हूं। मलेरिया एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इसके प्रमुख लक्षण तेज बुखार, शरीर में दर्द, पसीना आना और उल्टी आना है। इससे बचाव के लिए हमें मच्छरदानी और मच्छरों को दूर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यदि किसी को मलेरिया हो भी जाए तो उसे गिलोय, काली मिर्च और पपीतों के पत्तों का उबाल कर उसका सेवन करना चाहिए। विटामिन सी और बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर अमरूद का सेवन करना चाहिए। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं एक छोटा सा मच्छर आपकी जान का दुश्मन हो सकता है? जी हाँ, मच्छरों के काटने से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और मलेरिया उन्हीं में से एक है। मलेरिया का फैलने का सबसे बड़ा कारण गंदगी है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। इससे बचने के लिए आज मैं आपको मलेरिया की रोकथाम के उपाय बताने जा रही हूँ। आसपास की जगहों पर पानी जमा ना होने दें। कूलर के पानी को हर सप्ताह में एक बार जरूर साफ करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। कूड़ेदान को हर रोज साफ करें। मच्छरों के आने जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दें। ऐसे कपड़े पहनें जिनसे आपका पूरा शरीर ढक जाए। घर के आसपास की जगहों पर साफ सफाई रखें। मलेरिया के लक्षणों का पता चलते ही अपनी जांच जरूर कराएं। मलेरिया को दूर भगाना है, स्वच्छ वातावरण बनाना है। धन्यवाद। मलेरिया अधिकतर बरसात के मौसम में होता है, इससे बचें क्योंकि यह जानलेवा होता है। धन्यवाद। नमस्कार, 25 अप्रैल 2021
विश्व मलेरिया दिवस मैं वागीशा गोयल 9वीं डी की छात्रा आप सभी के समक्ष विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में कुछ नारे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बारिश में बढ़ता है मलेरिया का प्रभाव, साफ सफाई करके करे से बचाव। नालों और तालाबों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करे, मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव करे। दूर होगी मलेरिया की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। कृपया कर खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाएं और विश्व को सुरक्षित बनाएं। जन जन का यही हो नारा, मलेरिया मुक्त हो विश्व हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद।